ये कहानी उन दो दोस्तों के बारे में जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और उसके साथ सोने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। उसके बाद इन तीनों के बीच में क्या-क्या होता है, इसी को हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द लेओर। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत होती है और हम केट को देखते हैं जो कि एक स्कूल टीचर होती है। तभी उसकी नज़र पीछे बैठे एक बच्चे पर चली जाती है जो कि पीछे बैठकर कॉमिक पढ़ रहा होता है। तो कैट उसे डांटने के बजाय उसे कॉमिक पढ़कर सुनाने की बोलती है और खुद भी उसमें इंटरेस्ट दिखाती है और सुनने लगती है। तभी वहां पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो कैट को बच्चों के साथ मस्ती करते हुए देख लेता है। उसके बाद कैट को वो अपने ऑफिस में बुलाता है जहाँ वो उसको बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारी आंखें भी ज़्यादा प्यारी है और तुम्हें टीचर नहीं होना चाहिए। उसका डायरेक्टली बोलना ये होता है कि तुम अपने जॉब को छोड़ दो। तभी हम दूसरी तरफ दूसरी लड़की मैक को देखते हैं जो कि ये मार्केटिंग फील्ड में मार्केटिंग का काम कर रही होती है, जहाँ की कुछ प्रोडक्ट बेचने की वो नाकाम कोशिश करती है लेकिन उससे कुछ होता नहीं। तभी वो वहाँ से गुस्सा होकर बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि उसकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी होने की वजह से गाड़ी उसकी पुलिस ले जा रही होती है। उसके बाद वो घर पहुँचती है और देखती है कि कैट कुत्ता डांस कर रही है और ये देखकर हमें समझ आता है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड है और दोनों एक ही साथ रहते हैं। फिर मैक कैट को बताती है कि मेरा दिन भी पूरा बेकार चला गया, मेरे इंटरव्यू मेरा प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुआ और मेरी गाड़ी पुलिस उठा कर ले गई। तभी कैट मैक को बताती है कि मेरा दिन भी कुछ खास नहीं था, मुझे भी नौकरी से निकाल दिया गया है। और कैट मैक को सुबह जल्दी उठा देती है, उसे बोलती है कि हमें स्ट्रेस निकालने के लिए किधर बाहर घूमने जाना चाहिए। तभी वो उसको बोलती है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तभी मैक बताती है कि ऑलरेडी मैंने टिकट बुक कर लिए है और 2 घंटे के बाद हमारी फ्लाइट है। तभी ना चाहते हुए भी कैट को उसके साथ जाना पड़ता है। तभी वो एयरपोर्ट पर आकर देखते हैं तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई होती है, जिसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो लाइन में आकर खड़े हो जाएंगे तो इनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। उसके बाद मैक वहाँ से चली जाती है और किसी स्टाफ के साथ जाके नैन मटक का करने लगती है और वो स्टाफ भी उसकी बातों में आ जाता है और उन्हें पहले निकाल देता है और वो फ्लाइट में आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और चैन की सांस लेती है। लेकिन बीच वाली सीट किसी रायन नाम के आदमी की होती है जो उन दोनों के बीच में आके राजा की तरह बैठ जाता है और रानिया भी उसके साथ मजे लेने लगती है, जहां रायन उन्हें बोलता है कि वो अपने किसी दोस्त की शादी में फ्लोरिडा जा रहा है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि फ्लोरिडा में तेज तूफान और बारिश की वजह से प्लेन सेंट लुइस में उतारना पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों एक होटल बुक करते हैं जहाँ मैक बोलती है कि मेरा सारा सामान एयरपोर्ट पे मिस हो गया है। उसके बाद ये दोनों लिफ्ट के पास आते हैं। जैसे ही लिफ्ट खुलती है इन्हें वो ठरकी रायन दिखता है तो ये उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि मेरी फ्रेंड की शादी में भी टाइम है और मैं जिंदगी के मजे ले रहा हूँ। उसके बाद ये दोनों को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है और वो भी उसे खुशी खुशी हाँके देते हैं। उसके बाद मैक सोचती है कि मेरे सारे कपड़े तो एयरपोर्ट पे गुम हो गए और मुझे पहनने के लिए मेरे पास एक भी ड्रेस नहीं है, तो वो कैट से हेल्प मांगती है। कैट बोलती है मेरे पास भी एक ही ड्रेस है और वो उसे साफ मना कर देती है। फिर शाम को कैट पार्टी में पहुंचती है जहां रायन मैक के बारे में पूछता है तो कैट उसे मना कर देती है कि मुझे नहीं पता वो कहां पर है। तभी सामने से मैक को दिखाया जाता है जिसने की साड़ी पहनी होती है और उस साड़ी के अंदर वो काफ़ी कमाल लग रही होती है। तभी टीवी पे एक न्यूज़ चलाया जाता है कि फ्लोरिडा का मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है और 3 दिन तक वहाँ की सारी फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 3 दिन मौसम साफ नहीं होगा। ये सुनकर रायन दुखी हो जाता है, उसे सुख देने की गारंटी ये दोनों ले लेते हैं। उसके बाद ये एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर डांस कंपटीशन होता है। डांस करते करते मैक का पल्लू नीचे सरकने लगता है और सभी लोग उसके मैंगो को देख लेते हैं। उसके बाद ये तीनों अपने कमरे की तरफ जाते हैं। जाते वक्त कैट और मैक में बहस शुरू हो जाती है क्योंकि ये रायन को पसंद करने लगे थे। तभी अगले दिन मैक रायन के साथ वाटर बलून पे एयर फ्लाई का प्लान बनाती है लेकिन कैट को ऊंचाइयों से डर लग रहा होता है। तभी रायन कहता है कि मैक और हम दोनों चले जाएंगे लेकिन कैट मैक को रायन के साथ नहीं जाने देना चाहती, इसके लिए वो भी हाँ कह देती है। काफ़ी ऊंचाई पे जाने के बाद उसे घबराहट सी होती है। तभी रायन उसको अपने बातों में लगा देता है और उसे शांत करा देता है। तभी अगले दिन मैक और कैट एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए होते हैं। उन्हें वहाँ पता चलता है कि रायन यहाँ से जा रहा है। तभी वो रायन के पास पहुँचते हैं और उसे पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो रायन बताता है कि मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा रहा हूँ। तभी मैक और कैट उससे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और वो भी राजी हो जाता है। उसके बाद वो तीनों एक टैक्सी में बैठते हैं। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम क्रेज होता है जो कि मैक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था। उसके बाद मैक पीछे बैठकर रायन को साथ मस्ती करने लगती है और उसके हाथों पर लोशन लगा देती है। ये देखकर कैट काफ़ी बुरा लगता है और वो रायन को मैक की गंदी पिक्चर दिखा देती है। ये देखकर मैक काफ़ी गुस्सा होने लगती है। फिर
फिर वो पेट्रोल पंप पे रुकते हैं जहाँ कैट बाथरूम में चली जाती है, और फिर मैग बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से लगा देती है और वहाँ से निकल जाती है और रायन से मज़े लेने लगती है। तभी किसी तरह कैट विंडो का दरवाज़ा खोलने के बाद वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और कूड़े के ढेर में गिर जाती है और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर रायन उससे पूछता है, ये तुम्हें क्या हुआ? जिस पर कैट बोलती है कि किसी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था और मुझे अच्छी तरह कैसे पता है कि वो इंसान कौन हो सकता है। उसके बाद वो कैट वहीं पर अपने कपड़े साफ करने लगती है और गाड़ी में आकर बैठ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो कहती है रायन से कि मेरे गले में कुछ दर्द हो रहा है, जिसके बाद रायन उसका गला दबाने लगता है, मीन्स उसकी मसाज करने लगता है। ये देखकर मैक को काफ़ी बुरा लगता है और वो जेलिस फील करती है। वो शैम्पेन निकालती है और उसमें काफ़ी सारी स्लीपिंग पिल्स मिक्स कर देती है और वो कैट को देती है, लेकिन कैट शैम्पेन पीने से मना कर देती है। मैक से वो बोतल ले लेता है और पूरी पी लेता है। फिर मैक उसे बोलती है कि तुम्हें गाड़ी चलाते समय ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तब उसे क्रेज बोलता है कि मुझे ड्रिंक करके ड्राइव करने का अच्छा एक्सपीरियंस है, तुम इस बात की टेंशन मत लो। उसके बाद कुछ समय बीतता है और रात होती है और गाड़ी में सब सो जाते हैं और क्रेज को भी नींद लग जाती है। उसके बाद वो रोड पे एक बोर्ड को उड़ा देता है। उड़ाने के बाद सबकी आंखें खुल जाती है और वो होटल पहुंचते हैं। गाड़ी से उतरने से पहले कैट वो बोतल चेक कर लेती है और उसमें उसे काफ़ी सारे स्लीपिंग पिल्स दिखाई देते हैं। ये देखकर वो मैक पे ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना रूम अलग बुक करती है। उसके बाद में मैक को दिखाया जाता है जो एक बार में बैठे ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पर क्रेज आ जाता है उसके बाद कैट को दिखाया जाता है। फिर रायन ढूंढते ढूंढते उसको उसी जगह पर आ जाता है जहाँ कैट खड़ी होती है। तभी वो उससे पूछता है कि मैं तुम्हें अकेले ढूंढ रहा था। उसके बाद वो एक कमरे में जाते हैं और बिना सोचे समझे वहाँ पर गपागप करते हैं। अगली सुबह मैक को दिखाया जाता है जो कैट को आकर मिलती है और उसे कहती है कि एक लड़की की वजह से हमारे बीच झगड़े नहीं होने चाहिए, और मैक उसके काफ़ी क्लोज आ जाती है और उसे कहती है कि मैंने कल रात रायन के साथ गपागप किया। ये सुनकर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ क्रेज आ जाता है। उनसे कहता है कि रायन मेरी गाड़ी चुरा कर ले गया है। उसके बाद उसे एक पोस्ट मिलता है जिसमें पता चलता है कि रायन किसी और की शादी में नहीं बल्कि अपनी शादी में गया है। फिर ये दोनों भी पुलिस के पास रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि रायन ने हमारे दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है और वो किसी तीसरे की ज़िंदगी ख़राब करने जा रहा है, और पुलिस उसे सच मान लेती है और उन्हें छोड़ देती है। उसके बाद ये बिना दावत के रायन की शादी में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें पता चलता है कि रायन की शादी तो हो चुकी है। रायन उन्हें देख के वहाँ से भागने लगता है। तभी ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, एक के साथ एक फ्री। जिसके बाद रायन उन्हें बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम दोनों ही मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, ना कि मैं। कोई अगर मेरे सामने पैंट खोल के खड़ा हो जाए और मैं कुछ भी ना करूँ, मैं इतना शरीफ तो मैं नहीं हूँ। उसके बाद में उसके वाइफ को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ काफ़ी रूड बिहेव करती है, और ये दोनों भी वहाँ से वापस आ जाते हैं। मैक क्रेज को किस कर देती है। उसके बाद कैट को बोलती है कि हम दोनों को अलग अलग रहना चाहिए और हम दोनों फिर से एक साथ बेस्ट फ्रेंड बनकर रह सकते हैं। उसके बाद में कैट का प्रिंसिपल उसका प्रमोशन कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी टीचिंग का तरीका मुझे पहले से ही पसंद था, और वो उसे जॉब दे देता है। उसके बाद में ये दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। हे गाइज, अगर ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कर दियो।